अगर आपने अभी तक वन पंच मैन नहीं देखा तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ वन पंच मैन के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद आपको सायतमा से मिलने का और भी ज्यादा मन करेगा। किसी भी नॉर्मल स्कूल में यह दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो या फिर मेन करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपनी पावर्स को पाने के लिए या फिर अपने गोल को पाने के लिए, और बहुत इमेंस ट्रेनिंग के बाद वो उस चीज़ को पा लेता है। लेकिन जो सायतमा की स्टोरी है, वन पंच मैन की स्टोरी, वो इसके बाद स्टार्ट होती है। तो हमारा जो बंदा यानी सायतमा ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कर चुका है, उसको इमेंस पावर, उसका जो गोल था वो उसने हासिल कर लिया है, उसके बाद की कहानी हमें दिखाई जाती है। सायतमा का सपना था कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब उसके जीवन में सिर्फ एक ही समस्या है कि उसके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा मॉन्स्टर आ जाए, वो अकेला ही उस पूरे मॉन्स्टर को या फिर पूरे के पूरे इलाके को अकेला ही चुटकियों में मार सकता है। और उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसके सामने कोई टिकता ही नहीं है, उसको किसी से लड़ना है। उसको बहुत मन करता है कि किसी से लड़े, लेकिन उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता है। तो ये एक स्ट्रगल स्टोरी आप समझ सकते हो, लेकिन फुल ऑफ फन के साथ है। आपको बहुत ही ज़्यादा हंसाएगी ये स्टोरीज, और साथ ही साथ में आपको एक नंबर की फाइट्स देखने को मिलेंगी। फाइट्स तो इतनी अच्छी होंगी क्योंकि बोन्स कंपनी ने जो है इसकी फाइट्स को डिज़ाइन किया है, जिसने माई हीरो अकेडमिया जैसी इमेंस एनिमे की फाइट्स को प्रिपेयर कराया। तो आप फाइट तो आप देख ही सकते हो कितनी ऑसम होंगी। तो आप थोड़ा सा प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, जिस यूनिवर्स में या फिर जिस अर्थ पे आप बोल सकते हो सायतमा रहता है, उस अर्थ पे ऐसा है कि मॉन्स्टर कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो मॉन्स्टर्स और हीरोज की फाइट होती रहती है। हीरोज में भी क्लासेस हैं, एस क्लास, ए क्लास, डब्ल्यू क्लास, ई क्लास, इस तरह से कुछ कुछ क्लासेस बनी हुई हैं। और सायतमा का सपना है कि वो एस क्लास में पहुंच जाए। उसको कोई भी जानता ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, पर वो कुछ भी करता है पर लोगों को पता चलता ही नहीं है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि जब वो टेस्ट देता है तो लोगों को लगता है कि चीटिंग करके पास हुआ है, क्योंकि किसी के भी फुल मार्क्स कभी भी नहीं आते, लेकिन उसके फुल मार्क्स आते हैं। इतने कम समय में भी हमें बहुत सारे करेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, और हर करेक्टर अपनी अपनी जगह हमारे दिल में बना ही लेता है। इसके करेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग से, उनके भी बहुत अमेजिंग पावर्स है, लेकिन सायतमा के सामने तो कोई कुछ भी नहीं टिक पाता। तो क्या इस सीरीज में कोई विलन नहीं है जो सायतमा को टक्कर दे पाए? असल में अगर मैं आपको बता दूंगा कि इसका विलन कैसा है या फिर विलन है भी या नहीं, तो एक स्पॉइलर की तरह हो जाएगा। तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, वो सीरीज देख के पता चलेगा। बाकी ये सीरीज देखना वर्थ इट है, बहुत कम समय में भी आप इसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री में है। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको किस एनिमे के ऊपर चाहिए वो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।